डॉन बनने के शौक ने नौ उम्र नौजवानों को टारगेट किलर बना दिया। बिगड़े रईस जाधो ने बेगुनाह नौजवान को कत्ल कर दिया। लाहौर कैंट में 18 साल नौजवान को हमजा वकास और अमजद ने फायरिंग करके कत्ल किया। तीनों कातिल छोटी उम्र के हैं मगर असलहा जदीद तर्ज का रखा है। बाअसर अफराद की औलाद होने की वजह से पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी। तीन अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। घरों में कोहराम बरपा। ड्राइवर 9-2-11 हो गया। पुलिस ने 20 लाख रुपए, 10 गाड़ियां, 30 मोटरसाइकिलें और कीमती मुर्गे कब्जे में ले लिए और इसके साथ साथ कानून भी कुक्कड़बाज निकला। लोधरा में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ कराने वाले 20 अफराद धर लिए गए। दुकानों से कीमती सामान और नकदी गायब। सिटी पुलिस सर्दी में भी कंबल ओढ़कर दुकानों से कीमती सामान और नकदी गायब। सिटी पुलिस सर्दी में कंबल ओढ़कर दुबक गए। टूटी फूटी सड़कें, गन्ने की ट्रॉलियां, कभी यहां उल्टी कभी वहां। मंडी बहाउद्दीन गुजरात हाईवे ने गाड़ियों को सकड़ा बना दिया। एम्बुलेंस भी गुजरना मुहाल। ट्रैफिक जाम रहना मामूल। आवाम ख्वार हो गई। एहतजाज बहुत हो चुका। नसीराबाद में महकमा सेहत और महकमा तालीम के दगरगहों में हालत के बाद अब महकमा पुलिस भी जबोहाली का शिकार। पुलिस एहलकार जहां दीगर मराद से महरूम है, वहीं थानों की इमारात की हालत भी बहुत सीधा हो चुकी। और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, लेकिन मौसम इंतहाई सर्द। उस्तवार में 2 रोज से मवासलाती निजाम दरहम बरहम। राबता सड़कें बंद। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में।